बारात आगे बढ़ती है तो सभी भूतों प्रेतों और पिशाचों को जब वाद्य यंत्र सुनाई नहीं देते हैं तब उन्हें समझ आ जाता है और वो प्रलयंकार भगवान महाकाल से क्षमा मांगते हैं। तब भोलेनाथ उन्हें माफ कर देते हैं और जैसे ही भोलेनाथ उन्हें माफ करते हैं वो सभी दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तब वो भगवान अनादि देव के भय से देवताओं और गंधर्वों के पीछे छिपते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और बारात आगे की ओर प्रस्थान करती है। शिव से मांगे क्षमा सबने अपने लिए, शिव भोले ने सबको प्रकट है किए। कोई खप्पर लिए कोई पुष्प लिए, कोई सुंदर दिखे कोई रक्त पिए। जल्दी में है रुद्रनाथ की बारात जैसे तैसे गौरा के द्वारे पर पहुंच ही जाती है। शिव का रूप और शिव के बारातियों का हाल देखकर गौरा के पिता दक्ष और माता मैना देवी घबरा जाते हैं और वो शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए मना कर देते हैं। पहुंची बारात जब गौरा के द्वार पर, उमा की माता घबरा गई देख कर। देख कर रूप शिव का हुई है वो दंग, बोली बेटी न ब्याहूंगी भिक मंगे संग। तब चले सारे बेटी उमा माँ को शिव की लीलाओं का बखान सुनाती है और वहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी पधार कर दक्ष और मैना को शिव और पार्वती के विवाह का प्रारब्ध तथा शिव की महिमा बतलाते हैं और त्रिलोकी नाथ का गुणगान करते हुए उनकी शक्ति सामर्थ्य और सृजन से संबंधित सभी तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए माता को इस विवाह के लिए राजी कर लेते हैं और तब जाकर कहीं शिव और पार्वती का विवाह संपन्न होता है। हर हर महादेव, बम बम भोले। माँ को जब बेटी ने खूब समझाया है, वर्णन शिव लीलाओं का समझ आया है। माँ को जब बेटी ने खूब समझाया है, वर्णन शिव राजी शिव संग बिहाने को वो।